महारुद्र यज्ञ में पधारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी सरस्वती ने धर्म सभा को संबोधित किया। गोहत्या बंद हो जाएगी तो वोट किसके नाम पर मांगेंगे? देश को मोदी योगी नहीं कंपनियां सरकार चला रही। मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाऊंगा, धर्म ज्योतिष का व्यापारीकरण हो गया, धर्म के प्रति एकता का अभाव है। इसका कारण यही है कि सबको पद चाहिए, नाम चाहिए, काम करना कोई नहीं चाहता। सनातन वैदिक आ रहे हिंदू धर्म की मान्यताओं का कोई भी देश खंडन नहीं करता है। सभी मानते हैं कि विभाग रूप से ये सभी बातें शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने कही। शंकराचार्य जी श्री सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति की धर्म सभा में भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए त्रिवेणी तट पर आए थे। शंकराचार्य जी ने धर्म सभा में मौजूद लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए धर्म का ज्ञान करवाया। त्रिवेणी तट आगमन पर शंकराचार्य जी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने शंकराचार्य जी के मंदिर में दर्शन किए। तत्पश्चात धर्म सभा में आए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन, हरि गोविंद, जय जय हे गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय का कीर्तन करवाया। शंकराचार्य जी के साथ सभी ने दोहराया कि हिंदू राज बनाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे, भारत अखंड बनाएंगे, स्वास्तिक सूर्य अंकित केसरिया लहराएंगे। श्री सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति के अनिल झालानी ने स्वागत उद्बोधन दिया। समिति के संरक्षक पूर्व विधायक कोमल सिंह राठौर, कन्हैया लाल मोर, पंडित रामचंद्र शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, सत्यनारायण पालीवाल सहित अन्य समिति के लोगों ने पादुका का पूजन कर आशीर्वाद लिया। धर्म सभा का संचालन ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने किया। अब प्रश्न उठता है कि संत समाज किसको कहते हैं? भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत, आजकल कितने ऐसे संत हैं जो किसी पार्टी से अलग होकर शास्त्रीय विधा से ही बोलते हों, चलते हों। संत का कितने भेद हो गए, पत्रकारों के भी कितने भेद हैं। कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, कोई सपाई, कोई बसपाई। ऐसे संतों में भी कोई भाजपाई, कोई सपाई, कोई कांग्रेसी, कोई बसपाई। वास्तव में शास्त्र सम्मत विधा से अपने दायित्व का निर्वाह करने वाले कितने संत। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत जो न हो, वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से उत्कृष्ट सिद्ध करके उसे क्रियान्वित करने का जो प्रयास करें वो शास्त्र सम्मत संत हो गए। सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विशद करने की जिनमें क्षमता हो, विस्तृत ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करने की क्षमता हो, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करने की क्षमता हो, व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विकृति हो, विकृति को दूर कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज्य रामराज की प्रतिष्ठा का जो मार्ग प्रसिद्ध करें तो सनातन सिद्धांत के अनुसार संत कहे जाते। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे, चाहे मोहम्मद साहब रहे हों चाहे ईसा मसीह। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव गणात्मक सर्वदेव गणात्मक ब्रह्मा जी की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। इससे सिद्ध होता है सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करें तो मरीचि, कश्यप आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि नहीं बल्कि स्थावर प्राणी तरुलता गुलमिति आदि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे और सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, इस रॉकेट कंप्यूटर या मोबाइल युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। सनातनियों का वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत जब उत्पत्ति परक हो, स्थिति परक हो, संहार परक हो, निग्रह परक हो, अनुग्रह परक हो, उससे वैज्ञानिक और विज्ञान दोनों को प्रेरणा प्राप्त होती है, हो सकती है, उसे कोई अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। हैदराबाद के एक राजनीति में धर्म की भी जगह होनी चाहिए धर्म के नाम। मैंने कहा ना, राजनीति, राजधर्म, छात्र धर्म, दंड नीति, अर्थनीति, ये पांचों पर्यायवाचक। महाभारत में राजधर्म पर भी है, धर्म की सीमा में ही राजनीति भी है। राजनीति का नाम ही राजधर्म है। क्षत्रियों का जो धर्म है उसी को राजनीति कहते हैं।
उसी को राजधर्म कहते हैं। मैंने कहा वर्तमान सरकार कैसा कार्य कर रही है धार्मिक मामलों में? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन कूटनीति के 5 प्रभेद होते हैं, 5ों में माहिर हैं। उनकी कूटनीति को समझ पाना भी कठिन है। उदाहरण के लिए बुरा न मानो होली, उन्होंने गोरक्षक गुंडा भी कहा था और गाय को चारा भी देते हैं, माता भी कहते हैं, समझ गए। एक और गो हत्यारों का भी आदर्श बनना चाहते हैं, एक और गोरक्षकों का भी, उनकी कूटनीति हो गई। यानी गोरक्षक गुंडे भी कह देते हैं, गो माता की जय भी बोलते हैं, गाय को चारा भी देते हैं, उनको परख पाना बहुत कठिन। नारायण जी, जैसे अयोध्या श्री राम मंदिर का मूर्ति स्थापना है, क्या विचार है आपके? अच्छी बात है, मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, परंतु शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन होना चाहिए, उच्छेद नहीं। कैसा अनुपालन, क्या चाहते हैं आप? प्रतिष्ठा में जो शास्त्रीय परंपरा से अधिकृत हैं वही मूर्ति का स्पर्श करें, पूजन आदि की प्रथा विधा भी शास्त्र सम्मत हो। अगर फल शास्त्र सम्मत चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि से कर्म पालन आवश्यक है। आप चूंकि 4 शंकराचार्यों में से एक महत्वपूर्ण पीठ के हैं शंकराचार्य, तो आपसे तो संपर्क 100% हुआ ही हुआ? नहीं, कोई हमसे संपर्क हुआ है? हमसे कोई संपर्क नहीं, तो बड़ी बात है। हम क्या करें, छोटी हो या बड़ी हो। स्वामी जी, आपकी जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, धर्म की राजनीति होना चाहिए? राजधर्म राजनीति पर्याय है। मैंने कहा छात्र धर्म का नाम, क्षत्रियों के धर्म का नाम ही राजनीति, कई बार मैंने कहा। महाराज जी, लगातार सरकारें जो हैं, जो धार्मिक स्थल है, जैसे उज्जैन महाकाल मंदिर हो गया, वृंदावन में जो बांके बिहारी, यहाँ पर कॉरिडोर बना रही है, जो पुराना जो है मठ मंदिर, जगन्नाथपुरी में भी जो है पर्यटन पर्यटक, जगन्नाथपुरी में क्या हुआ है बताइए? अभी एक मुद्दा, किसी मंदिर को तोड़ने की क्षमता वहाँ की सरकार में नहीं, हमसे डरती है। दूसरी ओर मैं कहता हूँ, सुनिए, तीर्थस्थली को तपस्थली कहते थे, जब उसको हम पर्यटन का केंद्र बना देते हैं तो उसका नाम भोगस्थली हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, केंद्रीय शासन तंत्र ने झारखंड में पारसनाथ को, तीर्थस्थली को पर्यटन का केंद्र बनाया। जैन साधु तो अनशन करके मर गए, अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को वापस लेना पड़ा, पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं। हमारी बात का प्रभाव जैनों पर तो पड़ गया, हिंदुओं पर नहीं, क्योंकि जब हम किसी तीर्थस्थल को पर्यटन का केंद्र बनाते हैं, होटल वाले भी प्रसन्न होते हैं, यातायात वाले भी प्रसन्न होते हैं, सबके जेब भरने का मार्ग प्रशस्त होता है, मुँह मीठा होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आजकल व्यसन चल गया है, तीर्थस्थली जो तपस्थली हैं उनको पर्यटन का केंद्र बना के भोगस्थली बना दें। मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ जिसको कहते हैं, बहुत ऊंचा तीर्थस्थल दिल्ली, दिल्ली शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल, लेकिन आजकल अगर आप दिल्ली जाएं, लौटें, कोई पूछे कि कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, दिल्ली हंस देंगे, तो क्या अर्थ हुआ? आधुनिक ढंग से विकास होने के कारण अब तपस्थली या तीर्थस्थली के रूप में दिल्ली को व्यक्ति नहीं मानते। इसी प्रकार से अगर आधुनिक ढंग से विकास हुआ तो तपस्थली का नाम पर्यटन केंद्र हो जाएगा, तपस्थली भोगस्थली के रूप में परिणत हो जाएगी। शासन तंत्र का विकास के नाम पर यही व्यसन भी है, जनता भी इसी को चाहती है प्राय। आप मतलब विरोध करते हो चीज का, वो भोगस्थली बनती जा रही है, धार्मिक स्थल जो है। विरोध का अर्थ है वस्तु स्थिति का प्रकाशन करना, समझ गए। मेरी वाणी जो है लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत नहीं, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके देश काल परिस्थिति को देख करके हम बोलते हैं, इसलिए कहीं खंडन नहीं होता। पूरे विश्व में 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं, जहाँ हिंदू नहीं रहते वहाँ भी मेरा संदेश भगवत कृपा से प्रसारित होता है, कहीं से कोई खंडन नहीं होता। रखिए देश के हर शहर, हर गाँव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।